नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14। दोस्तों, फंडामेंटल राइट में ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इस टॉपिक के बारे में, मतलब इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में लिखा है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। तो पहला वर्ड मैंने बोला इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको हम डिटेल में जानेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारा, आप कह सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है फंडामेंटल राइट का। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमारे सारे ही फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोस्तों, ये दो वर्ड्स हैं, पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों हमारे आर्टिकल 14 में दे रखे हैं, ये सब क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 2 में। तो अगर हम बात करें दोस्तों इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसका मतलब है कि जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई आम जनता, मतलब कोई आम नागरिक हो देश का, लॉ सबके लिए बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ की नज़र में सारे व्यक्ति एक समान हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या देश का कोई आम नागरिक हो। तो इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम आदमी हो, दोनों के लिए लॉ बराबर है। ये पहली लाइन का मतलब है दोस्तों। और अगर ये नो डिस्क्रिमिनेशन है तो एक तरह से ये नेगेटिव, आप कह सकते हैं इसे कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, कि इसमें कुछ करने से रोक रहा है हमें। क्या करने से रोक रहा है दोस्तों? डिस्क्रिमिनेशन करने से रोक रहा है, इसलिए इसे हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। और दोस्तों, ये जो पहला प्रोविजन है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने बोरो किया है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं दोस्तों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में दोस्तों ये इस पहले में था कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करने से रोक रहा था, इस वाले प्रोविजन में है कि हमें ये डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए बोल रहा है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करने को बोल रहा है ये, और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों, क्योंकि हमें ये कुछ करने को बोल रहा है। पहला वाला हमें करने से रोक रहा था, दैट इज नो, इसलिए इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और इसको पॉजिटिव कहा जाता है क्योंकि ये हमें करने के लिए कुछ बोल रहा है, दैट इज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। और दोस्तों, ये हमने बोरो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। पहला वाला था हमारा ब्रिटिश से बोरो किया था, दूसरा था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था। तो अभी इसमें बस आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें पहले में नो डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड ब्रिटिश, इसमें है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव एंड अमेरिकन से हमने लिया है इसको। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अब पहले वाले को दोबारा समझते हैं कि क्या लिखा है, दूसरा मैं तब तक रब कर देता हूँ। पहले में दोस्तों है कि किसी में भी ये एक तरह से हमें वो नहीं करने दे रहा, मतलब चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश का कोई आम नागरिक हो, सबके लिए कानून एक समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लास लेजिस्लेशन करने से रोक रहा है दोस्तों, फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड स्टेटस ये आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को, कि अगर चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजिशन पर हो या फिर कितना, मतलब जनता को, मतलब कोई आम जनता हो या कितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशन हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं है अंडर दिस प्रोविजन। इसको बोलते हैं क्लास लेजिस्लेशन बोलते हैं दोस्तों, इस ये अलाउड नहीं है अंडर दिस प्रोविजन। तो आर्टिकल 14 में जो हमारा पहला पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसमें हमें बोल रहा है वो कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। तो इसका मतलब साफ साफ आप समझ गए होंगे कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति एक जैसा है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो।
अब दोस्तों जो दूसरा वाला था प्रोविजन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि हमने अमेरिका से बोरो किया था। इसका दोस्तों रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताया आपको, रीजनेबल तो ये क्यों करते हैं ये आप समझिए। अब इसमें एक पॉइंट है पहला, दैट मैं आप पहले लिख देता हूँ फिर आप समझिएगा उसको, मैं समझाता हूँ फिर। लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक एंड ट्रीटेड एज लाइक, एंड सेकेंड प्रोविजन इज अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। इसमें इंपॉर्टेंट है नॉट एंड अनलाइक। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। सपोज रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, पहला एक्सीडेंट किसी बहुत ही अमीर व्यक्ति ने किया है, मान लो किसी अंबानी टाइप व्यक्ति ने कोई रोड पे एक्सीडेंट कर दिया, तो जो कोर्ट है उस पर उनको सजा सुनाती है कि आपको, सपोज आपने चार लोगों का मर्डर किया है, एक्सीडेंट किया है, एक मतलब उड़ा दिया आपने अगर अपनी गाड़ी से किसी को, तो आपने एक तो फाइनेंशियल कंपनसेशन देना पड़ता है उसमें। कोर्ट ने उनको अंबानी साहब को बोला कि आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, पांच लोग हैं तो एक मतलब 5-5 लाख हर एक व्यक्ति को देने पड़ेंगे। तो अंबानी साहब के लिए तो 25 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, तो तुरंत ही पैसे देंगे और केस को रफा दफा कर देंगे। अब यही अगर दोस्तों सेम अगर हम रखें लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम इस हिसाब से चलें तो फिर नहीं इस वाले नहीं जो पहले वाला था इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से चलेंगे, तो उसमें चाहे अमीर का भी, अमीर ने एक्सीडेंट किया तो भी सेम सजा 25 लाख, गरीब ने किया तो भी 25 लाख। बट इसमें थोड़ा अलग है, इसमें क्या है, जैसे मान लो अभी अंबानी साहब ने एक्सीडेंट किया था, अब दूसरा जो सेम एक्सीडेंट किसी गरीब व्यक्ति ने किया, मान लो ओला उबर के किसी ड्राइवर ने कर दिया, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर वही जो मतलब जज साहब वही सेम सज़ा इनको सुनाते हैं कि 25 लाख रुपए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा इन पांच लोगों को, तो उस व्यक्ति के लिए 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर हम बात करें हमें हमारे मौलिक अधिकार है, जो अमीर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा सजा का, और जो गरीब है उसको बेचारे को 25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो गई उसके लिए। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें यही कहा गया है अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। इसका मतलब है जो व्यक्ति गरीब है उसको अमीर के हिसाब से ट्रीट ना किया जाए, मतलब अगर अंबानी साहब को 25 लाख का फाइन है तो इनको 25,000 का फाइन कर दीजिए ताकि बैलेंस हो सके। और इसमें क्या है, अगर अंबानी साहब के साथ मान लो लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, मतलब अंबानी साहब ने एक एक्सीडेंट किया है, दूसरा अडानी साहब ने किया है, तो दोनों के दोनों मतलब एक तरह से सेम लेवल पे, उनको पैसों से कोई उतना फर्क पड़ेगा नहीं 25 लाख से। तो वही है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, मतलब अगर वो दोनों सेम लेवल पे हैं उसमें मींस दोनों के दोनों अमीर हैं, तो उनको कंपनसेशन देने में मतलब सेम अमाउंट होना चाहिए, और अगर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है अमीर एंड गरीब का, तो उन दोनों को सेम ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, गरीब से थोड़ा कम कंपनसेशन लेना चाहिए एंड अमीर से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इसी को दोस्तों रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपको ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब केस टू केस बेसिस के हिसाब से आपको जज करना है कि आपको क्या सजा सुनानी है। अगर सेम क्राइम किसी दो लोगों ने किया है, दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो उनको क्या सजा सुनाई जाए ये जज के ऊपर होता है दोस्तों। केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, और इसको बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब यही हुआ कि आपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो जज साहब होंगे उस टाइम पे वो डिसाइड करेंगे ऑन केस टू केस बेसिस की क्या सजा सुनानी चाहिए। इसको बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया दोस्तों, कि मतलब अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे केस टू केस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे। तो यही है दोस्तों इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और दोस्तों हमारे संविधान में जैसे अभी मैंने बताया हमें एक ब्रिटिश से लिया पहला प्रोविजन, दूसरा वाला हमने अमेरिका से लिया है, बट हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने दोनों हमारे संविधान में डाल दिए। अब कौन सा प्रोविजन यूज करना है, आइदर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जुडिशरी के ऊपर होता है दोस्तों। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऊपर है, वो किस हिसाब से डिसाइड करते हैं ऑन केस टू केस बेसिस कि किसको क्या सजा सुनाई जाए। उनको आइदर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी लॉ के हिसाब से भी चल सकते हैं, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से भी चल सकते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दो इन दोनों प्रोविजंस का, तो आपने जैसे मूवीज़ में देखा होगा
कि जो कोर्ट कोर्ट दिखाया जाता है मूवी में, अदालत दिखाई जाती है, उसके अंदर एक तराजू रखा होता है, इंसाफ का तराजू जैसे बोलते हैं, आँख पे पट्टी बंधी होती है एंड एक तराजू होता है हाथ में। तो दोस्तों अगर हम यही दोनों प्रोविजन इस स्टैचू में अगर हम रिलेट करके देखें तो क्या मतलब है। पहला है आँखों पे पट्टी, उसके आँखों पे पट्टी का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड स्टेटस, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की नज़र में सब लोग सेम हैं, इसलिए उन्होंने आँख पे पट्टी बांधी है ताकि उनको दिखे ना कौन अमीर है कौन गरीब है, दैट इज़ वन। एंड हाथ में तराजू का मतलब दोस्तों क्या हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब बैलेंस करके चलना है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आप इससे समझ सकते हैं पहला प्रोविजन जो आँख में पट्टी था दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड द सेकेंड प्रोविजन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि आप समझ सकते हैं बैलेंस करता है, वो जो तराजू होता है हाथ में वो सेकेंड प्रोविजन को दर्शाता है दोस्तों। तो इसमें इतना ही था इस वाले में, इन दोनों प्रोविजंस में। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसमें एक मतलब ए वी डाइसी साहब थे, मतलब ब्रिटिश के बहुत फेमस ज्यूरिस्ट, इन्होंने एक लॉ बनाया था जिसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। यही दोस्तों आर्टिकल 14 फॉलो करता है हमारा। आर्टिकल 14 में हमें ये डिस्क्राइब कर रखा है एक तरह से आप कह सकते हैं, या इसको आर्टिकल 14 फॉलो करता है रूल ऑफ लॉ को। इसके तीन कॉम्पोनेंट है दोस्तों, तीनों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। पहला कॉम्पोनेंट है दोस्तों सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रिटिश के साहब थे ए वी डाइसी साहब, इन्होंने रूल ऑफ लॉ को डिस्क्राइब किया था। मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ बाय ए वी डाइसी साहब। अब पहला कॉम्पोनेंट दोस्तों इसका है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या हुआ कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, कानून की नज़र में सारे सेम हैं। इसको एक वर्ड और इस बोलते हैं दोस्तों लेक्स रेक्स, मतलब लॉ इज द किंग ऑफ किंग, कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही सारी पावर है, लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, इसका मतलब ये होता है। तो पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब यही है कि सिंपल सा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कानून की नज़र में कानून सबसे ऊंचा माना जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, दैट इज फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सेकेंड कॉम्पोनेंट है दोस्तों कि नो वन शैल बी पनिश्ड अनलेस प्रोवाइडेड बाय लॉ, इसका मतलब यही हुआ एवरी वन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, Everyone is equal in the eye of law. कानून की नजर में दोस्तों सारे के सारे equal हैं. No one shall be punished unless provided by law. इसका मतलब है जब तक कानून, मतलब कानून के हिसाब से अगर आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलेगी, कानून के हिसाब से अगर आपको पनिशमेंट देनी चाहिए तो जरूर मिलेगी। Everyone is equal in the eye of law. This is the second component दोस्तों under article 14 में जो है rule of law, इसका ये second component है, that is everyone is equal in the eye of law. First हमने पढ़ा supremacy of law. अब दोस्तों third जो component है that is predominance of legal spirit. इसको मैं आपको समझा देता हूँ, पहले ये मैं line लिख देता हूँ पूरी, predominance of legal spirit. ये third component है predominance of legal spirit. अब लीगल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सपोज आपने देखा होगा वकील लोग मूवी में क्या बोलते हैं, योर ऑनर माय लॉर्ड, तो वो किसको बोलते हैं, क्या जज को बोलते हैं वो, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो उस कुर्सी की इज्जत करते हैं जिस पे जज साहब बैठे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि ए पर्सन बैठे हैं, बी पर्सन बैठे हैं, सी पर्सन बैठे हैं, वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस चेयर की, यानी कि जो चेयर होती है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है दोस्तों हमारे देश में। और इसमें क्या मतलब हुआ इसका कि सपोज जज साहब ने कोई सज़ा सुनाई किसी को, मान लो किसी ने मर्डर किया तो जज साहब ने बोला इसको फांसी दी जाए, तो जज साहब ने तो ऑर्डर दे दिया फांसी का, टू बी हैंग बाय नेक टिल डेथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जज साहब ने सजा दिला दी। अब वो सजा को पूरा करना क्या जज साहब का काम है, जज साहब तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट के, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट का डेफिनेशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसी जो जज साहब हैं वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट के,
उनका काम है मतलब ये सजा सुनाना खाली, बट उस सजा को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है दोस्तों? ये रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट के, स्टेट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और स्टेट का मतलब क्या हुआ, आइदर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट हमने पढ़े थे सारे डेफिनेशन। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, सपोज़ इन्होंने सजा सुना दी, अब इस सजा को फांसी में कौन, मतलब उन्होंने फांसी की सजा सुनाई, फांसी पर दिलवाएगा कौन? ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है दोस्तों, स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले की इज्जत करी जाए, उस फैसले की रिस्पेक्ट की जाए, तभी दोस्तों रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा। अगर जज साहब के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया तो फिर धीरे धीरे कानून से भरोसा उठता जाएगा, और कानून से भरोसा जैसे ही उठा दोस्तों तो रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा, मतलब हमारे आर्टिकल 14 का वायोलेशन होगा। तो प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब सिंपल सा है कि जो भी कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं उनको एक तरह से रिस्पेक्ट देना और उनकी इज्जत करना, उसका उस जो भी उनका ऑर्डर है उसको ओबे करना स्टेट का धर्म होता है। इन्होंने सपोज फांसी सुना दी, बट फांसी देने के लिए ऑर्डर फिर मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा वो स्टेट करती है अपनी पुलिस के थ्रू, अपने जो भी इनके जेल वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो इसके थ्रू सारा का सारा प्रोसेस इनका चलता है फिर। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट में। अब जो हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट है कि एक्सेप्शंस हैं दोस्तों आर्टिकल 14 के। अभी हमने पढ़ा कि कानून की नज़र में सब सेम हैं, बट दोस्तों सब सेम नहीं है, यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं आप सुनिए। पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 361, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया था ये आर्टिकल 361 कि प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब जो होते हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर साहब जो होते हैं, जब ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं तो ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते। इसका मतलब कोई कोर्ट अगर इनसे क्वेश्चन पूछे तो ये आंसरेबल नहीं होते जब ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं, और दोस्तों इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक ये दोनों अपने पद पर हैं, जब तक इनका टेन्योर चल रहा होता है। अभी हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब सेम है, बट दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्सेप्शन आ गया आर्टिकल 361 कि इन दोनों के लिए एक्सेप्शन है कि इनके खिलाफ हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, तो एक तरह से ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। दूसरा है दोस्तों डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है आपको पता होगा, हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स जो होते हैं दूसरी कंट्री में पोस्ट किए जाते हैं, मतलब पोस्टेड होते हैं एज ए एम्बेसडर्स एंड एज अ हाई कमिश्नर्स, ऐसे ही जो दूसरी कंट्री के होते हैं हमारे यहाँ अपनी एम्बेसी में आते हैं हाई कमिश्नर्स के तौर पर एंड एम्बेसडर के तौर पर। तो दोस्तों अगर सपोज चाणक्यपुरी में यहाँ पर दिल्ली में एम्बेसी है और वहाँ पर मान लो किसी एम्बेसी के किसी एम्बेसडर ने हाई कमिश्नर ने कुछ क्राइम किया तो दोस्तों चाहे कितना भी बड़ा क्राइम हो वो हमारे मतलब हमारे जो लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम उनको सजा नहीं सुना सकते। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उनको उनकी कंट्री पे को वापस भेज देते हैं और फिर उनकी कंट्री अपने लॉ के हिसाब से उनको सजा सुनाती है। सेम ऐसे ही हमारे साथ होता है, सपोज हमारी कंट्री का कोई व्यक्ति पोस्टेड है एम्बेसडर के तौर पे किसी और कंट्री में और ये एम्बेसडर साहब वहाँ पे दूसरी कंट्री में कोई क्राइम कर देते हैं, तो उस कंट्री की जो पुलिस और कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको सजा नहीं सुनाते, उनको भेज दिया जाता है इंडिया वापस, फिर उनको जो सज़ा होती है वो इंडियन लॉ के हिसाब से होती है दोस्तों। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है इसे, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होगा, जो डिप्लोमेट्स होते हैं इनको एक इम्यूनिटी मिली है हमारे इससे आर्टिकल 14 से कि हमारे कानून के हिसाब से इनको सज़ा नहीं मिलती, इनको अपने कानून के हिसाब से सज़ा मिलती है दोस्तों। और डिप्लोमेट्स अभी मैंने बोला हाई कमिश्नर्स होते हैं, हाई मैं HC लिख दे रहा हूँ हाई कमिश्नर्स के लिए, एंड एम्बेसडर्स होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इनका पोस्ट का लेवल तो ऑलमोस्ट सेम ही होता, तो ये दो नाम के होते हैं कि कहीं पे हम हाई कमिश्नर्स बोलते हैं और कहीं पर हम इन्हें एम्बेसडर्स बोलते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रियाँ ब्रिटिश के थी गुलाम थे, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल पावर था उस टाइम पे वहाँ का ब्रिटिश साहब का। तो जहाँ पर भी जो मतलब इसको कॉमनवेल्थ नेशंस भी कहते हैं, जहाँ पे भी जो भी कंट्री, सपोज इंडियन पाकिस्तान का एग्जांपल लें, दोनों के दोनों अभी आप देखें तो ब्रिटिश का कॉमनवेल्थ का पार्ट थे। तो अगर हाँ वो कंट्रीज जो मतलब एक्सचेंज करती हैं अपने डिप्लोमेट्स को
कॉमनवेल्थ नेशंस अगर एक्सचेंज करते हैं तो उनको बोलते हैं हाई कमिश्नर्स। मतलब अगर हमारे हमारा कोई ऑफिसर पाकिस्तान के एम्बेसी में जाके वहाँ पे काम करता है, पाकिस्तान में हमारी जो एम्बेसी होती है वहाँ पे काम करता है, तो उसे हाई कमिश्नर बोलते हैं। सेम ऐसे ही पाकिस्तान का कोई आता है तो उनको भी यहाँ पे हाई कमिश्नर बोला जाता है दोस्तों। और अगर बात करें फॉर एग्जांपल इसमें अगर एम्बेसडर कहाँ पे बोला जाता है, तो चाइना में अगर देखें, चाइना शायद वहाँ का पार्ट नहीं था कॉमनवेल्थ का, ब्रिटिश ने कभी चाइना पे कब्जा नहीं किया था, तो हमारा जो वहाँ पे ऑफिसर पोस्टेड होगा उसे एम्बेसडर बोला जाता है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, मैंने आपको समझा दिया। अब एक जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं दोनों के बारे में जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा। बाकी आज के क्लास में दोस्तों इतना ही है, सारा का सारा आर्टिकल 14 हमने डिस्कस कर लिया। पहला हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ये हमने पढ़ा कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव है, प्लस इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों, नो डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ये हमने ब्रिटिश से लिया है, यहाँ पर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, देन ये फिर यहाँ पर रीजनेबल पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एंड रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, देन यहाँ पर हमने अमेरिका से लिया है। तो दोस्तों यही सब आज की क्लास में था और यही दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। हमारे संविधान में दोनों चीज़ डाली गई है बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर साहब एंड हिज टीम। उन्होंने दोनों ऑप्शन रख दिए जुडिशरी के सामने कि जुडिशरी को जैसा ठीक लगे केस टू केस बेसिस पे वो वैसे उन प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है हमारे देश में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।